सो टेनु, ये क्या है आपका? बैग। ये है टेनु के स्कूल का किट, जो कि आज ये लेके आए हैं। स्कूल वालों ने फोन किया था, क्योंकि यहाँ जैसे सब कुछ खुल चुका है तो उन लोगों ने बोला ये था कलर कि बॉल है बेटा, कलर बॉल। ये देखिए स्पेशल चीज है। तो उन लोगों ने बोला था कि आप लोग आइए और ये पूरा है किट आपकी लेके बुक जाइए, बुक किट लेके जाइए। तो ये लेके आए थे, और नेक्स्ट मंथ का फीस भी पे करके आना था। ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो बुक्स भी जरूरी है। बुक्स से कराएंगे, जो भी कराएंगे मैम, या जो भी है। सो इनकी जो खासियत मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये चीज। ये देखिए कलर इस तरीके से करने हैं, तो थ्री थ्री कलर ये दिए आपके इसमें। सारे बुक्स हैं आपके, और ये ये सारे चूबी के बॉक्स, ओ माय गॉड, इतने सारे। हम मतलब ये बुक्स वगैरह देख के ना मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे ना अपना बचपन याद आ रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारा भी स्कूल से जून जुलाई में, मतलब हमारे पेरेंट्स क्या करते थे कि जनवरी फरवरी में सेट नहीं लेते थे, जून जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तब लेते थे। बट हमें रहती थी जल्दी बुक आए, जल्दी बुक आए। और हमारे पापा जब कवर चढ़ाते थे ना तो वार्निंग देते थे, अगर ये फटा या इस पे पेंसिल चली तो मार पड़ेगी। और कुछ दिन बाद ऐसे ही होता था कि उस पे पेंसिल चलती थी, और जब भी पापा पढ़ाने बैठते थे और उसमें देखा ये पेंसिल कैसे चला, वही मार पड़ने थे। तो आज टैनी की बुक्स देख के काफी दिन बाद ये मतलब बचपन फिर से लौटा है, यही समझ लीजिए। एक अजीब सा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, चूबी के साथ में हम अपना फिर से बचपन। सुना कि अपन जब नई नई बुक आती थी कितने खुश होते थे ना, स्कूल के जब कोर्सेज अपने सेट पूरे आते थे। कितने टोटल कितनी बुक्स है टेनी की? कितनी है? बन नहीं करना बिटू, आप कष्ट देखो दिखाओ कितनी है। 27 है पूरे, सारी चीजें अन्य बुक्स 23 है। अच्छा, माय स्टोरी बुक, माय सेल्फ, और ऐसे करके सारी चीजें हैं, और 23 बुक्स हैं। एंड प्लस अदर एक फाइल है, जैसे कि ये फाइल दी है। अब मैं चीज भी छुपाऊंगी ना, आपको कहाँ तक छुपाऊंगी, बट डोंट वरी, कुछ नहीं होता। और नाम स्कूल का है तो है, और उसका डांस क्लास भी ऑनलाइन ही स्टार्ट हो गया, तो वो भी मैं आपको जल्दी शेयर करूंगी। और जब से हम लोगों ने इसे लगवाया था, ये वीडियो वैसे मेरा जाने वाला था परसों, बट आज गया है, नहीं कल जाने वाला था, आज गया, परसों का वीडियो था। ठीक है, जो वीडियो गया है लाइक वो वाला जो एसी में दिखाया कि एसी आया मेरे घर में, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। किसी ने बोला मिकू लकी है मेरे लिए, तो मिकू, टैनी, नोवी, सीजू सब मेरे लिए बहुत लकी हैं। जब से हम मैंने यूट्यूब में कदम रखा है तो कोई ना कोई मेरे लिए लकी रहा ही है, मेरा ये मानना है। और आप लोग भी लकी हो, क्योंकि एक यूट्यूबर बिना सब्सक्राइबर, बिना व्यूबर्स के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो आप लोग भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। तो धीमे धीमे आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है और दे रहे हो, बस शुक्र करूंगी कि लोग मुझे दुआ भी देते हैं आप बहुत जल्दी आगे जाओगे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस कब जाएंगे वो नहीं कह सकते, पर जाएंगे, एक दिन आएगा। सो अभी इवनिंग हो गई, हम लोगों ने चाय पी है, और जब से एसी लगा था तब से लेके आज हमने चलाया, क्योंकि मौसम तब से ठंडा ही था, आज गर्म हुआ तब आज हम लोगों ने एसी चलाया। और जब मैं एसी से बाहर गई, सोई मैं पहले भी हूँ लेकिन खुद का होता है तब इतना मतलब वो नहीं रहता था, आज जब बाहर निकले तो इतना एकदम गर्म लग रहा था, और बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बट कोई नहीं। और अभी मेरे घर की क्लीनिंग चल रही है, और आपको अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आपको रूम टूर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दे दूंगी। एंड पहले घर की सफाई करूंगी, उसके बाद अपनी सफाई करूंगी, लाइक थ्रेडिंग वगैरह, पार्लर वगैरह यहाँ पे सारे खुल चुके हैं। 5 बजे तक खुल चुके हैं। सो आज मैं स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, तो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे पत्ता गोभी और प्याज को दोनों को अच्छे से चॉप कर लूँगी बारीक, क्योंकि मैं बना रही हूँ अप्पे, और दोनों को साथ में ही चॉप कर रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही मिक्स करके ही पड़ने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही इसको दोनों को चॉप कर ले रहे हैं। तो दोनों साथ में चॉप कर रही हूँ, और ये सेकेंड डे का क्लिप है। मेरा क्या होता है, मैं ऐसे नहीं बनाती वीडियो के पूरा दिन, आज ही आज का बनाया, उसमें 2-3 डेज मिक्स रहते हैं, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा व्लॉग हैं पहले से तो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पूरा दिन का ही दिखाती हूँ। तो ये सेकेंड डे मॉर्निंग का है, तो यहाँ पे ये फाइन चॉप हो रहे हैं,
प्याज, और ये देखिए बहुत बारीक करा है, मैं इनको अप्पे में डालूंगी। मैंने लास्ट टाइम टमाटर डाला था प्याज के साथ, पर इस बार ही टमाटर स्किप किया है क्योंकि मुझे पत्ता गोभी वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए तो इसलिए मैंने ये लिया है कैबेज। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे एक बाउल में सूजी, और सूजी में मैंने रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सरसों मतलब राई, मस्टर्ड सीड्स तो ये लिया है, और अपनी जो सब्जियाँ मैंने चॉप की थी वो ऐड कर दी हैं, जिस पत्ता गोभी और प्याज एकदम बारीक है ये। और यहाँ पे मैं दही ऐड कर दूँगी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दही ऐड कर दूँगी, और नमक भी ऐड करेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर दही और नीड लगेगा तो कर देंगे। अगर आपके पास दही नहीं है, थोड़ा ही दही है, तो थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास प्रॉपर दही है अच्छा खासा क्वांटिटी में तो आप सिर्फ दही डालें, पानी स्किप कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसमें मैंने दही ऐड किया थोड़ा सा पीछे से, और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा खाना सोडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि खाना बेकिंग सोडा, जिससे क्या होता है ना, बेकिंग सोडा से थोड़ा सा ना स्पॉन्जी हो जाते हैं, बेकिंग सोडा या खाना सोडा दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, और स्पॉन्जी लाइक बड़े और स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाना सोडा डाला है, और देख सकते हैं आप लोग कितने बढ़िया से पेस्ट होता है। इसको 15-20 मिनट के लिए बैटर को हम रख देंगे, ठीक है, ढक करके। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ क्लीनिंग, जैसे कि मैंने बताया तो आज इस रूम की क्लीनिंग चालू है, तो सारा सामान मुझे उठा उठा के ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये घर बस ऐसे ही एक कॉर्नर दिखता था, लेकिन अभी टैनी का जैसे मैंने आपको दिखाया टेंट हाउस आया, तो वो उसको भी मतलब रखने के लिए ठीक से जगह चाहिए, सेट करना चाहिए पड़ेगा, तो इसमें तो मैंने नहीं दिखाया, वो आपको जब क्या बोलते हैं जब वो होगा ना रूम टूर कराऊंगी मैं दोनों, तो उसमें दिखा दूंगी मैं आपको। तो यहाँ पे शूज़ जो है देख रहे हैं आप, शूज़ जब से ये काम पे ही नहीं जा रहे हैं, मतलब अपना स्टेडियम वगैरह का मैच वैस तो अभी बंद है सारा कुछ, तो शूज़ यहीं रखे हुए थे, और जो चेयर थी वो टूट ही चुकी है पहले से, उस चेयर को भी मैं थोड़ा सा क्रिएटिव करने वाली हूँ उस चेयर में भी, ठीक है, कुछ करने वाली हूँ। तो ये शूज़ में मकड़ियों ने घर बना लिया था, पता नहीं यार क्या, अगर सामान को हम रखें तो मतलब एक तरीके से ना भर गया था घर ये वाला रूम। तो सारा सामान हटा के मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, गुस्सा आ गया, फेंक भी देती हूँ मैं चीज़ों को। यहाँ पे टैनी एक ही दिन डांस क्लास गई थी, तो उसका टी शर्ट वो सब रखा हुआ है, न्यू टी शर्ट आया था ऐसे कैसे रखा है, तो सारा कुछ मतलब ऐसे हो गया था लॉकडाउन में, मतलब सब बस भरे जा रहा था। तो अभी लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है तो सारे लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है, गाइडलाइंस वैसे तो आ गई लेकिन यहाँ पे तो 8 तारीख से बता रहे हैं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि सारा कुछ ओपन प्रॉपर वे में ओपन हो जाएगा। और ये देखिए मेरे नए सैंडल जिनको मैं लेके आई थी और मैं पहन ही नहीं पाई, बड़ा दुख है मुझे इस बात का सच्ची में, कि मैं इनको कितने मन से इनको लिया, मैंने मंगाया फर्स्ट टाइम और मैं पहन ही नहीं पाई, और टैनी के लिए भी मंगाए थे वो भी नहीं बेचारी पहन पाई। तो ये देख सकते हैं ये गंदगी क्या, मतलब जो मेरे बर्ड्स के फैदर होते हैं ना, उनका जो पंख वगैरह, तो लोग झड़ते हैं तो उड़ के ना इनके पीछे चले जाते हैं, और डेली तो हम सारा सामान हटा के झाड़ू नहीं लगाते, इतना सारा अगर मैं डेली करूँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी, सो इसलिए मैं कभी कभार ही इसको करती थी, लेकिन इसमें भर जाते हैं फिर भी। तो देख सकते हैं कितना सारा निकला है उसके पीछे से, और उड़ते भी हैं भयंकर। ये एक बॉक्स है जो हम नोवी सिसु के लिए बना रहे थे, लेकिन नहीं बना तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया उसको, तो उस पर ऐसी टैनी खड़ी हो जाती है, कभी खेलती रहती है। सो यहाँ पे चल रही है मेरी क्लीनिंग, इसको भी सबको हटा के क्लीनिंग होगी ढंग से। गाइस मुझे ये सारा का सारा भी सेट करना है, सारा कुछ फैला हुआ है, ये देख सकते हैं इधर का कॉर्नर खाली है, तो मैं किस तरीके से अपना ये रूम सेट कर रही हूँ। उधर का रूम मैं पूरा प्रॉपर सेट कर चुकी हूँ, सो अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से मैंने अपने रूम चेंज किए हैं दोनों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रूम टूर चाहिए और बेडरूम का चाहिए या इसका चाहिए, जो भी है, इसमें तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है बट उसमें ज़्यादा चेंजेस हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ओके। तो चलिए गाइस मैं आज आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ,
और मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बना के ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी मिर्च नमक डाल दिया है इसमें, और नमक थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हींग भी ऐड करी है। ये है बेसन, और इसको मिक्स बैटर बनाऊंगी, अच्छे से फेटना है इसको। तो ये मैं बना रही हूँ चीले का बैटर, ठीक है। तो चीले का बैटर इतना अच्छे से हम इसको पतला करना है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने प्याज इसमें ऐड नहीं की है। तो आप सोचोगे चीले की क्या रेसिपी है, तो सबको आता है, नहीं, इस रेसिपी में बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है। तो चलिए आगे से हम दिखाते हैं। तो इसको हम रख देंगे, इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, और इतना पतला घोल ही हमको बनाना है। प्याज डालें तब भी इतना पतला ही घोल रखें, और इसमें से थोड़े से मैंने मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर दिए। तवे को, मतलब बैटर मेरा 10-15 मिनट रख गया, तवे पे हम ऑयल डालेंगे और चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। ये तो सबको ही पता है कि चीला कैसे बनाते हैं। तो इस पर ऑयल डाला है मैंने, ऑयल डालने के बाद इसमें अच्छे से गर्म हो गया तवा, और अब देखिएगा हम डालेंगे इसमें अपना बैटर। तो जो सर्विंग स्पून है, जो हमारा चमचा बोलते हैं हम इसको, तो इसको इससे हम फैला लेंगे और हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, एकदम ऐसे, ठीक है। और एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। और इसको कितना सेकना है, इसको इतना सेकना है कि ये सिर्फ, ये देखिए पलट दिया मैंने, इसको सिर्फ हमें 90% पूरा 100% नहीं सेकना है। मतलब इसमें रेड रेड स्पॉट जैसे आने लगे, ये मतलब चित्तीदार होने लगे ना, तो उसके बाद आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड हमें कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसको दोनों तरफ से हम अच्छे से पहले सेक लेंगे, थोड़ा सा फट रहा था, तो फटते भी हैं कभी कभी, जब हम जल्दी कर देते हैं तो कभी कभी हल्के हल्के फट जाते हैं, नहीं तो नहीं, तो अगर हम पूरा सेक लेंगे तो नहीं फटेगा। तो इसको अच्छे से आप लोग सेक लीजिएगा जैसे कि मैं सेक रही हूँ, और फटे तो घबराइएगा मत, होता है कभी कभी सारे में। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये 90% पूरा पक चुका है, चित्तीदार हो चुके हैं इसको। तो अभी हम इसको करेंगे फोल्ड, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट फोल्ड, जितना फोल्ड आपके चीले में बने उतने में फोल्ड कीजिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीले का सब्जी, 1 2 2 फोल्ड हो गया। इसको अच्छे से दबा के एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम सारी आगे की जितने भी आपके बैटर में बने, 2 3 4 जितनी भी आपको सब्जी बनानी है, तो इसी तरीके से सेम प्रोसेसिंग से हम अगेन सारे बना लेंगे। ये देखिए तेल स्प्रेड करेंगे, फिर से बैटर डालेंगे और उसको फैला देंगे हल्के हल्के हाथों से। तो ये बन गया हमारा बैटर चीला, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से आप सारे बना लीजिए, और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरे सारे बन चुके हैं। ये देखिए हमारे 3 बन के रेडी हैं, और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे, और यहाँ पे सबसे तेल गर्म होने के बाद हम यहाँ डालेंगे जीरा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जीरा डालने के बाद मैं डालूँगी प्याज, और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो, जैसे कि मैंने चीले में नहीं डाला, मुझे नहीं पसंद, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी प्याज को स्किप कर सकते हैं जो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज डाला है, तो प्याज अगर नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा। और प्याज भुनने के बाद अदरक और लहसुन अगर आप खाते हैं तो अदरक लहसुन डाल दीजिएगा, बट मैंने सिर्फ अदरक डाला है। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो सीधा आप जीरे के बाद अदरक घिसा हुआ डाल सकते हैं, धनिया पाउडर डाल सकते हैं उसके बाद, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सब डाल दीजिए। को छोड़ दीजिए और अच्छे से इनको भून लीजिए, तो वो मसाले आराम से भुन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अदरक रहेगा, प्याज तो रहेगी नहीं, प्याज में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्याज नहीं रहेगी। तो सिर्फ आप अदरक डाल के सारे मसाले डाल के भून लीजिए, और भूनने के बाद उसके बाद ऊपर से आप डाल दीजिए यहाँ पे प्यूरी, ठीक है, जैसे कि मैंने डाला। तो जो लोग प्याज खाते हैं वो मेरे स्टाइल से बना लीजिए, लेकिन जो लोग नहीं खाते, मैं उनको भी बता रही हूँ साथ साथ, तो वो लोग इस तरीके से टमाटर को मिक्सी में पीस के, ये मैंने बहुत बड़ा एक टमाटर था, ज़्यादा बड़ा था कुछ नहीं, तो आप मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले सकते हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से इस ग्रेवी को पकने दें। और जैसे ही ये हो जाए उसके बाद पानी ऐड कर दें इसमें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना, और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से और पकने दीजिए।
ये देखिए अच्छे से इसको मिला लीजिए सारे मसालों को। तो जैसे मैंने बताया प्याज जो नहीं खाते हैं वो प्याज छोड़ सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे हम गरम मसाला, गरम मसाले को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से डाल देंगे हम नमक, नमक आप समझ के डालिएगा क्योंकि हम चीले में भी नमक डाल चुके हैं, तो थोड़ा सोच समझ के डालिएगा नमक को एंड मिला दीजिए और इसको ढक करके रख दीजिए अपना होने के लिए। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है अच्छा खासा, थोड़ी सी थिक भी हो मतलब गाढ़ी हो गई है हमारी ग्रेवी पहले से। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले जो भी कढ़ाई पे इधर उधर लगा हुआ है। ये देखिए अब क्या करते हैं, अब हम जब तक वो और हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे उसको और ये जो हमारे चीले हैं उनको इस तरीके से पीस कर लेंगे। आप चाहें तो इससे छोटे भी कर सकते हैं, चाहें तो और बड़े कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन ये मीडियम साइज़ है ठीक है। और छोटे कर सकते हैं आप, जैसे ये मैंने किया इतना छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे और इस तरीके से आपके चीले हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारी सब्जी ग्रेवी हुई कि नहीं। तो ये देखिए हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है और इतनी ही गाढ़ी हमें चाहिए। और याद रखिएगा ये जो सब्जी है ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होती है, और आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं, कचौड़ी के साथ खाएं। तो रोटी के साथ अच्छी लगेगी, कचौड़ी के साथ नहीं, तो मतलब वो ज़्यादा रोटी के साथ भी ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता, किसी किसी को लग भी सकता है, मुझे तो टेस्टी लगा था, लेकिन चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगा था मुझे। और आप इसको सिर्फ ये चीले डालने के बाद एक मिनट ही पकाएं घड़ी से मिला के, वरना आपके चीले पूरे घुल जाएंगे इसमें, फट जाएंगे पूरे। तो इसी तरीके से कर दीजिए ग्रेवी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो पानी पहले ही ज़्यादा रखिएगा, मुझे इतनी चाहिए ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो। ओके गाइस, सो नहा धो के आई हूँ मैं, अच्छे से नहा के और धोना क्या था, बाथरूम धो के आई हूँ। हम बताएं क्यों ऐसे बोलते हैं, नहा धो के आए हम लोग। सो नहा के आई हूँ, किचन से कर रही हूँ, पता है क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैं रूम नहीं देख के आऊँगी, बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपना रूम ट्यूब भी शेयर करूँगी। और देखो ये मेरा चमचा मेरे पीछे पीछे आया, क्या चलो बाहर, आउट आउट मेको आउट आउट मेको आउट आउट आउट। अभी रुक जा, आ रही हूँ, रुक आओ आओ गंदा बच्चा। सो टैनी को नहीं ला दिया मैंने आले, और शट अप। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आज हम चाउमीन खाई, कभी कभी ऐसा चाउमीन वगैरह ब्रेकफास्ट में चल जाता है। सो खा ली चाउमीन और नहा लिया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। और इस वाले बेड पे मैंने ये वाला चादर बिछा चुकी हूँ जो मैं नया लाई थी, लेकिन दोनों रूम मैं आपको दोनों, एक रूम में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, बट फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दिखा दूँगी जैसे मैंने बताया। तो जो भी चेंजेस किए हैं मैंने अपने दोनों रूमों में दिखा दूँगी। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने सब्जी आप लोगों के साथ चीले की सब्जी जो शेयर करी है, वो सब्जी आप लोग ना प्लीज़ रोटी के साथ मत खाइएगा, चावल के साथ आपको बहुत अच्छी लगी। कौन कौन बनाता है वो भी बताइएगा, और अगर किसी ने नहीं भी बनाया है तो वो भी बताइएगा। पर मैं तो रोटी के साथ खाई तो मुझे नहीं भाई, मतलब मुझे तो थोड़ी बहुत अच्छी भी लगी, हस्बैंड को तो वो भी अच्छी नहीं लगी। तो आप लोग वो सब्जी को ना चीले के चावल के साथ खाएंगे, जैसे कभी कभी स्पेशल लंच बनाने का मन करे तो आप चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और रोटी के साथ अगर खाएं तो उसमें ग्रेवी ज़्यादा रखें, क्योंकि वो ठंडे होने के बाद ना और थिक हो जाती है, और थिक होने से फिर सूखी सूखी चीले चीले ही दिखते हैं, उसमें ग्रेवी नहीं दिखती है। सो या तो वो ग्रेवी ज़्यादा रखें और या फिर चावल के साथ ही खाएं, क्योंकि चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सही जाएगी। सो आज तो मैं भी चावल के साथ वही खाने वाली हूँ। और मुझे याद आ गया ना, बची हुई थोड़ी सी रखी है, आपसे बात करते करते याद आया वैसे भी याद आता। और अभी घर की क्लीनिंग हो गई, अभी क्या थोड़ा सा फ्रिज का क्लीन करना है, फ्रिज पे ये अटरम सटरम भर जाते हैं, और मंदिर वंदिर के फूल धोने हैं, और जो वास के फूल हैं वो धोने हैं, बस तीन चार काम रह गए हैं मेरे, बाकी सारा काम मेरा हो चुका है, सब कुछ क्लियर है। और
और कुछ बाकी नहीं है क्योंकि रूम वूम की सारी मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ, बस वो धोने। और हाँ थोड़े से ये गुड्डे गुड़िए इनके जो गंदे हो जाते हैं ना वो धोने, तो वो मैं कल ही धो के डाल दूँगी। फिर मुझे अपना थ्रेडिंग भी कराने जाना है। और पार्लर वाली जो है मास्क लगा के मुँह से धागा पकड़ रही है, मास्क ऊपर से ऐसे धागा पकड़ के थ्रेडिंग कर रही है। और यहाँ मैं सुनने में आया 8 तारीख को सारा लॉकडाउन जो है पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है, मतलब खुल जाएगा। बट अभी तो थोड़ा बहुत ही खुला है, फिर पूरा खुल जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। मम्मा अब आ गए, कितना बड़ा झूठ बोल रही है, लिपस्टिक और मेकअप करके जूता पहन के आई है। झूठ की मजार तो देखो डोला डोला, छोटी पहन के आई है। छोटी दिखा, अरे वाह छोटी तो बड़ी प्यारी लग रही है, खुद ही रो ली। और देखिए उस दिन मैंने ऐसे क्रॉस करके बनाया था, आज मैंने नाप पे गिट लगा दी, ये ज्यादा अच्छी लग रही है गिट वाली, और बच्चे को आ भी जाता है। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।